भाई उठ जा। हेलो भाई, सीधा क्या बफे के अंदर? भैया क्या बात हो गई यार यहाँ पे? अरे भैया, ये सारे फूड का प्राइस बताया और ये बेहोश हो गया। पहली बार बंदा आया है। ऐसा क्या प्राइस बता रहे हो? बंदे प्राइस सुन सुन के बेहोश हो रहे हैं यार। भैया आपको सारा फूड दिखाता हूँ, उसके बाद प्राइस बताऊंगा। सबसे पहले आइटमें बताऊंगा, हमारे पास है 45, दुनिया का सबसे बड़ा बफे और सबसे सस्ता बफे। भैया क्या बात है जी, ये आगे जी नूडल्स, चाउमीन जी। भैया एक मिनट रोकना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम है भैया हार्दिक। हार्दिक भैया, रेट आपका कितना है? पहले रेट बताओ, मैं ना बेहोश हो जाऊं, वीडियो कौन बनाएगा फिर? रेट भैया सिर्फ और सिर्फ 190 रुपए और 45 आइटम, वो भी अनलिमिटेड की अनलिमिटेड। 190 रुपए में 45 आइटम? 45 जी, 45 और वो भी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड जी भैया। भैया पहले सबसे पहले ना ये पकड़ो फिर मेरे पैसे। भैया 10 रुपए आपको मैं देता हूँ, वो मैं पहले दिखाता हूँ, दिखाओ जी। ग्रेवी मंचूरियन, ये देखो भाई ग्रेवी मंचूरियन और बॉल्स का साइज देखो कितना बड़ा है। अब आ गया भैया चाइनीज फ्राइड राइस, ये फ्राइड राइस चेक करो, और ये भी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड भैया ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पर जो भी चीज आपको मैं दिखाऊंगा हर चीज अनलिमिटेड रहेगी। पास्ता चेक करो आप, ये देखो क्रीम मेयोनीज और भर भर के प्यार तो इसके अंदर है ही भैया। अब हमारा महाराष्ट्रियन फूड भी है भैया, महाराष्ट्रियन फूड भी अनलिमिटेड है। ये देखो भैया पाव भाजी, ये पाव सर, और ये भैया भाजी, ये देखो थिकनेस चेक करो भैया भाजी की। और आप बोल रहे हो ये बटर में बनी है, रिफाइंड में नहीं? रिफाइंड में नहीं बनी, पक्की बात है? पक्की बात है भैया, 100% है। उसके बाद भैया साउथ इंडियन फूड भी है। अच्छा सांबर आ गया ये तो? सांबर आ गया है सर। उसके बाद आ गया है इडली, ये सांबर के साथ इडली भी भाई, और ये भी अनलिमिटेड अनलिमिटेड है। रवे की इडली रहेगी, ये राइस की इडली नहीं है। ओके जी। अब मार्केट में आपने देखा होगा भैया, आप जाओ स्ट्रीट फूड खाने जाओ, कुछ भी खाने जाओ, तो आपको 400-500 रुपए की एक प्लेट मिलती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी और भी महंगी मिलती है, तंदूरी चाप की। हाँ। अगर वो भी अनलिमिटेड दे दो तो मजा आ जाएगा। रेडी पे भी भैया 150-200 रुपए के बीच होती है भैया। अब ये देखो ये तंदूरी चाप टिक्का, अचारी तंदूरी चाप टिक्का है भैया आज ये, और ये भी अनलिमिटेड है। अच्छा। जितने बफेस के अंदर आपने बफेस की वीडियोस देखी होंगी, आपने बफेस खाए भी होंगे जी, जितनी बफेस के अंदर आइटम होती है ना जी, उतने सिर्फ स्नैक्स दे दूंगा। अच्छा जी। उसके बाद भी आ गया है हनी चिली पोटैटो, ये देखो भाई हनी चिली पोटैटो। ये आ गए हैं मोमोज, भाई बफे के अंदर मोमोज भी आ गए, मोमोज भी आ गए हैं भैया। ये दिखाएंगे आपको भैया हरी मिर्ची के पकौड़े। अच्छा, इसको तीखा खाना है तो एक बार ये खा लो, ठीक है, मजा आ जाएगा खा के भैया आपको। भैया मिर्ची का पकौड़ा दिखा दिया, स्नैक्स है, सब्जी वब्जी नहीं क्या अपने पास? भैया स्नैक्स अभी स्नैक्स भी कहाँ खत्म हुए हैं? अच्छा अभी स्नैक्स भी बचा है भैया। ये देखो पिज्जा भी है, पिज्जा भी मिलेगा, पिज्जा भी मिलेगा भैया, अनलिमिटेड पिज्जा मिलेगा। वाह। और वो भी 190 रुपीज के अंदर, आप चाहे एक खाओ, दो खाओ या 100 खाओ। सबसे पहले भैया दिखाऊंगा, अगर पंजाब में है और पंजाबी बंदे को मिल जाए पनीर तो मजा आ जाएगा। आज भैया है कढ़ाई पनीर, इसमें भैया ग्रेवी कम है, पनीर ज्यादा है। अरे वाह। और ये रही दाल भाई, दाल मखनी, दाल मखनी सर, दाल मखनी रहेगी। उसके बाद रहेंगे जी मिक्स वेज, ये रहे जी मिक्स वेज, ये प्योर मतलब बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स को कट करके भैया इसको प्रिपेयर किया जाता है, कोई फ्रोजन वेजिटेबल नहीं यूज करते हम। उसके बाद आ गए जी चना मसाला, चना मसाला, अरे वाह। ये चने का साइज चेक करो भैया, एकदम ड्राई चना, हाँ ट्रिपल डॉलर चना मसाला। ये है जी पहलवानों के लिए मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता, हाँ जी। इसके अंदर काजू मगज और अनियन की ग्रेवी रहती है भैया, व्हाइट ग्रेवी के अंदर, रिच ग्रेवी के अंदर बनता है। जीरा मसाला आलू, ये जी जीरा मसाला आलू बिल्कुल। अब है जी जीरा राइस, ये भाई ये भैया आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? जी भैया। उससे बस इतना सा छोटा है, इतना बड़ा दाना मिलेगा आपको। क्या बात है यार जी। भैया पहले कॉमेडियन तो नहीं थे यार? नहीं कॉमेडियन नहीं था भैया मैं, पक्की बात है? नहीं भैया एकदम बढ़िया बासमती राइस, बासमती खिले खिले राइस। नहीं अब हो गए हमारा मेन कोर्स भी कंप्लीट जी, उसके बाद हम आते हैं सैलेड सेक्शन पे। पहले ये सामने मीठा क्या पड़ा हुआ है? ये बाद में बताएंगे, बाद में, ये बाद में बताएंगे, सबसे पहले आएंगे सैलेड सेक्शन की। ठीक है जी। ये आगे जी दही और भल्ला हुआ, इसमें भी वैरायटी रहती है, कभी मिक्स वेज रायता, ठीक है, कभी दही भल्ले, ठीक है, दोनों में हम करते हैं। okay. उसके बाद भैया आगे है जी पापड़, तो आजकल के जो बच्चे हैं बड़े हैं ये सब पसंद करते हैं। आजकल बड़े तो भाई शाम को बहुत खाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो धोती खोल रहा है भैया। इसकी भल्ले के साथ दो चटनियां रहेंगी, इमली की चटनी, इमली चटनी और ये चटनी, मिंट चटनी। इस अचार का नाम है हमने रखा हुआ है जी, इस अचार का नाम है लड़ाई वाला अचार। क्यों? क्योंकि इस अचार के लिए लोग यहाँ लड़ पड़ते हैं। अगर वो बुफे पे आ रहे हैं हमारे, तो हमारे को एक दिन पहले फोन आता है कि भैया हम आ रहे हैं, हमारे लिए अचार रखना और 5 किलो पैक करा के रखना, इतना टेस्टी अचार भैया रहेगा। भैया मतलब पहला बुफे है मैं आया हूँ, प्राइस सुन के बेहोश हो जाते लोग, अचार के पीछे लड़ रहे हैं, अचार के पीछे लड़ रहे हैं। अभी तो बहुत आइटम भैया, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ये सिरके वाले प्याज, उसके बाद रहेगी गाजर, गाजर और कचुम्बर सैलेड जी। उसके बाद कुकुम्बर सैलेड हो गई, ये आ गया जी चाइनीज सैलेड भी, चाइनीज सैलेड एकदम बढ़िया जी। अब आपको दिखाएंगे जी ब्रेड्स की बारी, ठीक है, चपाती, लच्छा, परौंठा, बटर नान, इस दुनिया में जितनी तरह की चपाती हम यहाँ खिला देंगे आप, ठीक है जी। आप सबसे पहले आपको दिखाऊंगा लच्छे परौंठा, लच्छे परौंठे का आप लच्छे चेक करो एक बार जी।
उसके बाद आ गई जी प्लेन रोटी जी, बटर नान आ गया, हरी मिर्ची परांठा, अरे वाह, मिस्सी रोटी, वाह वाह वाह, उसके बाद भी आए जंगली परांठा, जंगली परांठा, ये जंगल से मंगाते हैं भैया, लुधियाना में स्पेशल है सर हमारी ये, हाँ ये जंगली परांठा हो गया, ये आ गया जी गार्लिक नान, ठीक है जी, ये आ गया जीरा परांठा, अरे बटर रोटी, ठीक है जी, ओरिगैनो परांठा, ओरिगैनो परांठा जी, ये प्याज वाली रोटी रहेगी, उसके बाद प्लेन नान जी, अजवाइन परांठा जी, चिली फ्लेक्स परांठा, क्या बात है यार, स्टफ नान, ये भैया 15 तरह की चपाती है, ठीक है जी, ये भी आपको 190 रुपए के अंदर, वो भी अनलिमिटेड, एक चीज अधूरी है वो मीठा है मीठा, अब आएगा मीठा जी, ये देखो जी, ये आ गया भाई मीठा एकदम बढ़िया, ये है भैया हलवा, भैया ये सोने का हलवा है, सोने का हलवा, हलवे का कलर देखो भैया, सोने का हलवा है, दुबई से तो नहीं मंगा रहे गई, ये वहीं से मंगा रहे, दुबई से मंगा रहे हैं जी, सोने वाला हलवा, किस चीज का हलवा है, ये सूजी का हलवा रहेगा भैया, इतना टेस्टी है कि बंदा कहता है कि मैं घर साथ लेके जाऊँ, क्या बात है जी, इशारा आप जेब का कर रहे हो, जेब में तो नहीं डाल के, जेब में मैंने नहीं डाला भैया, ना कस्टमर डाल के जाता है, एक मजाक की बात हो रही है, सही है, ये आपको सोने का हलवा, सूजी का हलवा मिलेगा भैया, फटाफट ना प्लेट दो, क्योंकि आज पहली बार हुआ है कोई वीडियो में ना बंदे जो सामने है मेरे, हाँ उसने मुझे ही नहीं बोलने दिया नहीं भैया आपको प्लेट देते हैं, आप एक बार स्वाद लो, तो भाई अपनी प्लेट लग के तैयार है, प्लेटिंग हमने कर ली और प्लेटिंग किया बड़े बढ़िया तरीके से, आपको दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखो आलू भी आ गए, चाम भी आ गई, हनी चिली पोटैटो, मोमोज, पास्ता, फ्राइड राइस, चाउमीन, ऊपर एक पीस मंचूरियन, वही आइटमें ली है जो ज्यादा मेरे भाई लोग खाते हैं, मुझे पता है, दाल, मलाई कोफ्ता, पनीर और साथ में पिज्जा, तो भाई है ही है, रोटियां थी 15 तरह की, पर जो प्लेन रोटी होती है ना वो प्लेन ही होती है और मजा इसका ही होता है, तो हमने लिया प्लेन रोटी, शुरुआत जो है स्टार्ट जो है वो करेंगे स्नैक्स के साथ, सबसे पहले भाई इसका कलर पता नहीं क्यों मुझे काफी डरावना लग रहा है, भैया कह रहे हैं सोया सॉस डाली है इसके अंदर, केचप डाली है, पर मेरे को लग रहा आज सोया सॉस उनके शेफ से थोड़ी ज्यादा डल गई है, चिंग्स की ऐड आती होती थी ऐसे रंग वाले मोमोज उसमें होते थे, मंचूरियन मैंने मोमोज बोल दिया, कोई भूख लगी है, आप आओ इसको हल्का सा ना ऐसे इसके दो हिस्से करते हैं और ये करते हैं जी ट्राई, सॉस देखने में खतरनाक है, डरावनी लग रही थी पर स्वाद वैसा नहीं है, स्वाद बिल्कुल नॉर्मल है, ये हल्के थोड़े स्वीटर नोट में चले गए हैं मंचूरियन, ये यहाँ की नूडल्स, चाउमीन, इसकी लुक काफ़ी बढ़िया लग रही थी देखने में, स्वाद देखते खाने में कैसा है, इसका स्वाद बहुत बढ़िया है, 199, 249, ये दो बफे वाली कैटेगरी होती है ना उसमें ऐसे होते हैं, 160-170 वाले में ऐसे नहीं होते, वो होते पतले पतले सेवियाँ, बट ये प्रॉपर नूडल्स है, आ गया हो भाई ये चाप, भैया फ्लो फ्लो में ना मेरे को लग रहा है इसका प्राइस ज़्यादा बता के, भैया कहते 400-500 की बाजार मिलती है पर भाई रोड साइड 150-200 के बीच मिल जाती है, पर यहाँ 199 में लिमिटेड है, तो इसका भी देखते हैं मसाला चाप का फ्लेवर कैसा है, सिंपल तंदूरी चाप है, उसके ऊपर हल्की मैरिनेशन करके फ्लेवर्स लगाए गए हैं, जो बाहर चाप मिलती है ना वो होती ज़्यादा ना वाइब्रेंट फ्लेवर, तेज फ्लेवर, इसके तेज फ्लेवर नहीं, इसके जो चाप का ओरिजिनल फ्लेवर है ना वो आ रहा है, हल्की मैरिनेशन की हुई है, ये यहाँ के हनी चिली पोटैटो आइटम्स इतनी है ना फटाफट खा के बतानी पड़ेगी, इसका स्वाद बिल्कुल जेन्युइन है, जैसी हनी चिली पोटैटो होती है ना, रोड साइड खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, अलाकार्ट में जब करोगे वैसी फ्लेवर आएगा, ये है जी मोमोज, अब रोड साइड अगर ऐसे मोमोज हो ना थोड़े छोटे तो आप भैया का गला पकड़ लोगे कि भैया इतने छोटे मोमोज, पर बफे है भाई अनलिमिटेड मिलने यही बड़ी बात है, तो छोटे छोटे मोमोज हैं, इसकी क्रस्ट थोड़ी मोटी है, ये अनलिमिटेड नहीं आप खा पाओगे, एक दो पीस खा लोगे फ्लेवर के लिए क्योंकि शीट मोटी है, ये आया भाई यहाँ पे पास्ता होता है ना, कौन सी फिल्म थी भाई वो जिसमें बोलता है पास्ता, आई एम जोकिंग, हाउसफुल यहाँ भी टाइम से यहाँ ना हाउसफुल ही रहता है, ये राजी पास्ता, ये बढ़िया है, मीठे टोन में है, मेयो व्यो डली हुई है, जो मेरे छोटा भीम वाले भाई हैं उनको तो पसंद आ जाएगा पूरा, ये पिज़्ज़ा एक बढ़िया चीज़, सस्ते बफे में क्या होता है चीज़ की जगह ना मेयोनीज डाल देते हैं, पिज़्ज़ा मीठा हो जाता है, ये पिज़्ज़ा मीठा नहीं है, चीज़ इसमें है बट वेजीज थोड़ी कम मिलेंगे क्योंकि भाई अनलिमिटेड खिलाना ना, भैया से मैंने पूछा इतना सब कुछ अनलिमिटेड कैसे खिला रहे हो, उन्होंने बोला था कि आप आम खाओ गुठली मत गिनो, तो ये थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो होगी, अब आओ फटाफट मेन कोर्स के ऊपर, ये यहाँ की दाल, दाल वो ढाबा स्टाइल आपको गाड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी, क्रीमी दाल है, क्रीम का अच्छा यूज है, कलर से भी आप देख रहे हो कि क्रीम व्रीम डली हुई है इसके अंदर, ना ज्यादा मसाले हैं ना नमक है, बिल्कुल बेसिक दाल मखनी है, होम स्टाइल जैसे आप घर पे बना लोगे ना दाल वैसा फ्लेवर है दाल का, कोई मतलब वो नहीं है कि आप डेली खा रहे हो तो ज़्यादा मसाले लगे, ये आओ मलाई कोफ्ता, इसके लिए बहुत क्यूरियोसिटी है क्योंकि बफे में दिखता नहीं, कोफ्ता देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में देखते कैसा लगता है,
ये है बात, मतलब पैसे पूरे करवा देगा। मलाई काजू ऐसे जो स्मूथ फ्लेवर होते हैं ना, वो वाले फ्लेवर इसमें हैं। अगर इसके साथ आप स्नैक्स खा गए, रोटी इसके साथ अकेले के साथ भी खा गए, तब भी भाई पैसे आपके पूरे नहीं बचे ही हैं। ये मार्केट में महंगा मिलता है ये, मतलब ये है जी पनीर। आ जा भी पीस आप कट पा ले यार, मुझे लगता ये रे पीस पनीर का, पीस पनीर एक बढ़िया चीज़। जो ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ नहीं है, थोड़ा पेस्टी है, जैसा पेस्ट होता है ना वैसी है, स्मूथ नहीं है, पेस्ट वाली है, तो फ्लेवर्स बढ़िया आ रहे हैं। नहीं तो 99.9% बफेज में ना, शाही हो चाहे कढ़ाई हो, नाम ये अलग होता, टेस्ट सेम होता, पर इसका टेस्ट अलग है। कुल मिला के बोलूँ भाई 45 आइटम है, जितनी मैंने टेस्ट की है 60 अच्छी है, 40 मेरे को ठीक लगी, मैं दोबारा नहीं खाऊंगा वन टाइम है। बाकी आप आना, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर देना, चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लो। 190 में मेरे भाई 45 आइटम,